ये आज यहाँ पर आए हैं आपके क्षेत्र में जो है गरीबों को राशन दिया जा रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, तो क्या एक अपील है आपकी यहाँ? ये हमारा पुलकेश्वर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब आपको है और प्रेसिडेंसी स्कूल चेयरमैन भी आपको है और वो प्रेसिडेंसी स्कूल तरफ से एक 2000 आदमियों को रेशन किट देने का कार्यक्रम कर रहा है रमज़ान का। ये कार्यक्रम में सबको मुबारकबाद देते हो और हमारा वक्फ बोर्ड चेयरमैन को भी और हमारा प्रेसिडेंसी स्कूल चेयरमैन को भी कहीं को, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा माइनॉरिटी ज़्यादा है और गरीब ज़्यादा है, उस तरफ से पूरा उन्हें हेल्प करने को सामने आको है, उसको भी मुबारकबाद देखो और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमियों को हमें हमारा तरफ से भी हमें 20,000 आदमियों को किट दे रहा है, रेशन किट दे रहा है, वो 26-27 को हमें फिक्स करके हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें साल 18 ईयर से हमें दे रहा है मेरे तरफ से 18 ईयर से। अब हमारा प्रेसिडेंसी तरफ से और हमारा माइनर वक्फ बोर्ड चेयरमैन तरफ से आज के 2000 आदमी को किट दे रहा है, सबको रमज़ान मुबारकबाद बोल को और उसको भी हमें मुबारकबाद दे रहा है। ये गरीब उसको हेल्प कर रहा है, उसे अल्लाह अभी अच्छा रंदे करके बोलकर मुबारकबाद दे रहा है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी कैसा है सर अभी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी? हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में DJLD का नाम बहुत खराब हुआ जब ये इंसिडेंट। नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें भाई भाई तरफ से हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी एक है, कौन की बाहर इलाकों का यहाँ गलाटा करके जाता वो सभी अभी नहीं चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी का आदमी पूरा एक को है, हमें सभी एक है, क्या भी हमारा तरफ से हमें सभी इंडियंस है, हमें सभी भारत के है, अभी हम हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी एक है। पहली बार हमारा MLA को और हमारा प्रेसिडेंसी ग्रुप को मैं मुबारकबाद अदा करता हूँ, क्योंकि एक 2000 गरीब एक फैमिली को एक फूड किट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसलिए मैं वक्फ बोर्ड का तरफ से मैं दिल की गहराई से मैं उनको मैं ये शुक्र भी गुजारूँगा। इधर ये इलाका में बहुत सख्त ज़रूरी है, अभी तो MLA ने कहा है ये गरीब लोग ज़्यादा है। मैं आने का टाइम पहला बार मैं मीडिया में बैठ के बात कर रहा था DJLE KJLE के बारे में, आज मैं पूरा DJLE देखा, DJLE में आटी नगर से इधर तक आया, मैं भी MLA का इंतज़ार कर रहा था, मैं भी पुराना दोस्ती है, मैं इंशाल्लाह उनसे ज़्यादा गुफ्तगू करूँगा इस सिलसिले में। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, तो जो कुछ लोग ऐसा भी वो होते रहते हैं, मैं हमें जो टीवी में देखे थे वैसा नहीं है, इधर भाईचारा बहुत अच्छा है, हिंदू मुसलमानों का भाईचारा बहुत अच्छा चल रहा है। उसके साथ साथ मैं MLA को भी गुजारिश करूंगा और हमारा प्रेसिडेंसी ग्रुप को भी, ऑलरेडी हमारा सायदिया और प्रेसिडेंसी ग्रुप है स्लम बच्चे के लिए एक 5000 स्टूडेंट्स का प्रोग्राम उधर बनेरघट्टा में कर रहे हैं दोनों भी मिलकर, इंशाल्लाह वो भी हमारा MLA का तरफ से भी हमारा मुस्लिम समाज को क्या एजुकेशन होना चाहिए, इसलिए स्कूल और कॉलेज का DJLE में कैसा डेवलप करना है MLA के साथ मैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करूँगा। मैं पहला में ज़मीर अहमद साहब से एक 2 घंटा इस सिलसिले में मैं गुफ्तगू किया था, उन्होंने भी बताए थे अखंडा श्रीनिवास साहब से हमें बैठ के एक बार बात करेंगे, ये DJLE का स्लम रहने वाले बच्चे हमारा इदारे में भी पढ़ रहे हैं और रास्ता सेकेंड वन रास्ता फर्स्ट वन हमारा क्या बोले तो एजुकेशन, हमारा मुसलमानों को एजुकेशन मिलना, दो भी एजुकेशन मिलना, इंशाल्लाह गवर्नमेंट का तरफ से कितना जितना होता MLA तो मेहनत कर रहे, अभी भी इंशाल्लाह ज़्यादा तरफ से उन्होंने मेहनत करेंगे और उसके साथ साथ रास्ता अभी तो MLA सर नानी के बरवा को नोड़ी रहे, आने का टाइम देखे हमें रास्ता ज़रा ये वो को है, हमारा ये लोग भी पब्लिक भी ज़रा साथ देना है, ये रोड में हमारा दुकान नहीं छोड़ते, हमारा घर का ये स्टेयर केस नहीं छोड़ते करके बोले तो रोड डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन तो रोड भी डेवलप होना डाल रही है, उस तरफ से खुद भी रोड। ओके इंशाल्लाह रास्ता भी अच्छा करेंगे वो, और DJLE का एक पिक्चर ही चेंज होना इंशाल्लाह, अखंडा श्रीनिवास साहब आप मिल के पूरा ये DJLE का एक पिक्चर चेंज, अभी तो चेंज हो रहे होते रह रहे आपका वजह से अभी भी होना है, इंशाल्लाह मिलके करना ये सब कैसा डेवलपमेंट, ये भाईचारा सब एक तरफ से हुआ तो नहीं होता, हिंदू मुसलमानों मिलके एक भाईचारा पैदा होने का बहुत सख्त ज़रूर है कर्नाटक में, ये तो बसवन्ना का कर्नाटक है, कुवेंपु का कर्नाटक, टीपू सुल्तान का कर्नाटक, ये कर्नाटक में हमेशा एक भाईचारा थे, इधर बसवन्ना और कुवेंपु सब इधर हिंदू मुसलमानों का बीच बहुत बड़ा एक अमन का एक पैगाम दिए, वो अमन का पैगाम को ये पॉलिटिकली ये हो रहे क्या मालूम नहीं हो रहे,
लेकिन तो कुछ जगह में हुबली वंदे और डीजी अली का वंदे, ये क्या हो रहा है? हिंदू मुसलमाना का भाईचारा को कुछ लोग बिगाड़ रहे हैं। उसको रुकाना रोकना है, हमें पूरे मिलके हिंदू मुसलमानों मिलके वो 1% को हराना है। वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो उनको मजहब नहीं है, उनको जाति नहीं है, कैस्ट नहीं है, उन्हों सिर्फ दुष्कर्मी गिड़गेड़ी देशद्रोही उन्होंने, वो दो जगह पे ही है, हिंदू में ही है तो मुसलमान में भी है। उनका मजहब का क्या भी राबिता ही नहीं है। हिंदू और मुसलमान बहुत अच्छा एक मजहब है, कुरान भी अच्छा है, भगवद गीता भी अच्छा है। उस सिलसिले में हमारा हिंदू मुसलमानों पूरे मिलके उनको रुकाना है, उनको हराना है। वो डीजे अली से स्टार्ट होना चाहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल एमएलए सर अकंडा सर फॉर ग्रेसिंग द इवेंट एंड our work board chairman sir Mr. Shafi Sadi sir who is my personal mentor. I treat him as a mentor to me. I really respect him a lot and thank you sir for coming. We have now provided around 2000 food kits for the month of the holy month of Ramadan for the needy and the poor, and hopefully it should benefit them. As you know, the area has a lot of high scale poverty, a lot of people don't have much food to eat, so that is one of our major intentions. Apart from that, we wanted to collaborate along with the board and the MLA so that they can meet, they can discuss to have a longer vision, a vision of Pulikeshin Nagar, DJ Halli, KJ Halli, how to improve in the terms of education, in the terms of employment, in the terms of having access to food and basic necessities. So that is also something that we want to initiate, a kind of a collaboration from Waqf Board and our MLA sir. Thank you. The school that we are in actually is one of the largest schools in the entire state of Karnataka. It has around 2000 plus students. It is a 3-4 acre campus. It has been developed very nicely, I think, thanks to MLA sir. A lot of students are getting access for good quality education. So how we can add benefit is, you know, to add benefit in terms of the curriculum, in terms of the infrastructure, providing good quality teaching faculties. So these are some ways we are discussing now. We are still in discussion stage only. So inshallah, let us once maybe in the next meeting we will discuss about how we can take this school also forward to the next level. It has a lot of capacity actually because of the infrastructure bandwidth.